आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने कल सुबह 6 बजे बहुत मेहनत किया ये, और वो मेहनत इस प्रकार से दिखाया गया कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में क्या से क्या हो गया कि ईडी का रेड सरकार के एक उच्च अधिकारी पर हो गया, इस प्रकार से पोर्ट्रेट किया गया कि यह रेड हेमंत सरकार के ऊपर में कोई भ्रष्टाचार का काम हुआ होगा, उसके खिलाफ हुआ। हम लोग सबको जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जहां ना कोई प्राइवेट आदमी अप्रोच कर सकता है, ना वो किसी भी तरह से अपने से कोई खोजबीन कर सकता है। भारत सरकार का जो सेंट्रल विजिलेंस है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और इनकम टैक्स, यही 4 एजेंसियां हैं जो ईडी को किसी केस को रेफर कर सकता हो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब ईडी का रेड हुआ तो इस प्रकार से पेंट हुआ कि ईडी घुस गया, लेकिन घुसने के पहले की जो कहानी है वो है कि सीबीआई एक केस पे जिन पे रेड हुआ उन पर 2008-09 में एक केस दर्ज हुआ था जो मनरेगा से संबंधित था। जब वो खूंटी की उपायुक्त थी, चतरा की उपायुक्त थी और पलामू की उपायुक्त थी, उस वक्त का जो गड़बड़ झाला था उस पे कंप्लेन हुआ था और वो कंप्लेन करने वाला JVM था। और राजनीति में सबसे शर्मिंदगी की बात है, आज तब के JVM के नेता, आज के भाजपा के नेता पाठ पढ़ा रहे हमारे मुख्यमंत्री, मतलब बेईमानी और मक्कारी की, मैं मक्कार शब्द यूज कर रहा हूं, बेईमानी और मक्कारी की हद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर कंप्लेन हुआ, उसकी जब जांच अभी हो रही है 14 साल के बाद, तो उसमें हेमंत सरकार को जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो अभी माइंस की भी सेक्रेटरी है। अरे भैया, राज के पदाधिकारी को किसी ना किसी विभाग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था विभागीय कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त जो निष्कर्ष आया कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री 2017 में बोलते हैं कि इस पे मामला बनता ही नहीं है रघुवर जी और राजबल्लभ वर्मा जी, और वो केस को ड्रॉप कर दिया गया। नतीजन वो पदाधिकारी राज्य सरकार में बना रहा और राज्य सरकार के पास भी ये मजबूरी है, अधिकारियों की कमी के कारण उनको पदाधिकारी बनाना पड़ा। वो तथ्य लेकर मेरे मित्र
और पार्टी के मेरे सहयोगी साथी विधायक सोनू जी भी यहां पर उपस्थित, आप लोगों को भी वो पत्र हम लोग देंगे जिसमें उनको ग्रीन चिट मिला रघुवर जी के द्वारा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास के भ्रष्टाचार में शामिल रही थी जो पदाधिकारी, चाहे वो मनरेगा से हो और मोमेंटम झारखंड तक, उसको बचाने का काम पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया, और उसका प्रमाण वो प्रमाण सोनू जी आप लोगों को देंगे। धन्यवाद दादा। तमाम पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर आपसे हम लोग मुखातिब हैं। ये सारी कवायद दादा ने ठीक कहा कि कल सुबह से आपने बड़ी मेहनत की, जनता को सच्चाइयों से रूबरू कराने का बेहतर प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि ये जो छापेमारी की घटनाएं हैं, ये घटनाएं पूर्णतया वर्तमान सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का नतीजा है। हम इसी बात को आपके सामने बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि आज सीपीआई के द्वारा रेफर्ड जिस केस पर छापेमारी हुई कल और शायद आज भी जारी है, जैसा समाचार माध्यमों के माध्यम से हमें पता है, वह तमाम मसले खूंटी चतरा से संबंधित थे और मनरेगा में गबन से संबंधित थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और इस विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी अमरिंद्र प्रताप सिंह के निष्कर्षों के आधार पर 2017 में इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया गया था। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि श्रीमती पूजा सिंघल के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या के द्वारा उपायुक्त खूंटी के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गई निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल ऑफ चार्जेस इम्प्यूटेशन एंड मिसकंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गई है। ये पत्र आपको मिल जाएगा, मैं मोटे बिंदु खाली बता देना। श्री अमरिंद्र प्रताप सिंह भाप्रसा प्रधान सचिव पेयजल स्वच्छता विभाग सह संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालन के उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती सिंघल के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा उपरांत राज्य सरकार द्वारा श्रीमती सिंघल को उनके विरुद्ध गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध चलाई जा रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 27/2/2017। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा भी ज्ञात हुआ। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह चोर मचाए शोर की कहानी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव को बदलने का प्रयास था। यदि इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान खनन सचिव रहते हुए किसी घपले घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई तक गई है तो उसकी बात बताएं। यदि ईडी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती कि यह जांच मनरेगा के घपले घोटालों को छोड़कर दूसरे मामलों में है, तब भाजपा के आरोपों की पुष्टि होती। लेकिन भाजपा ने कल 7 बजे सुबह रेड की खबर के उपरांत ही जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, जब उन्हें यह पता लगा कि इसी पूजा सिंघल, जिसको आज वो सबसे भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं, इसी पूजा सिंघल को उनके ही सरकार के कार्यकाल में क्लीन चिट दी गई है, और इसी झेप को मिटाने के लिए दीपक प्रकाश जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए। जब आपके ही माध्यम से यह सवाल उनसे पूछा गया तो उनका यह कहना था कि नहीं, क्लीन चिट के मामले की तो जांच होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दीपक प्रकाश जी को रघुवर दास जी की ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह है? क्या उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में जो निर्णय रघुवर दास जी ने लिए वो उसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? और अगर यह परिस्थिति है तो उनको यह जनता को बताना चाहिए था कि मनरेगा के मामले में हुई कार्रवाई को खान के मामले से जोड़कर हेमंत सरकार की जिस छवि को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है, जनता तमाम चीजों को देख रही है। और हम भी
तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थापित है या बताने के लिए कि मसले कहां के थे, कहां से तार जुड़े और ये कहां ले जाए जा रहे हैं। हिटलर के सेनापति गोयबल्स ने कहा था कि झूठ को अगर 100 बार पूरी मजबूती से बोला जाए तो वह सच हो जाएगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कल से यही काम कर रहे थे कि इस झूठ को इतनी जोर से प्रचारित कर रहे थे, लोगों को यह लग रहा था कि यह सारी कार्रवाई खान और खनन से हुए मामलों में। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दीपक प्रकाश जी से कि आदरणीय दीपक प्रकाश जी, जब आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री पूजा सिंघल को क्लीन चिट देते हैं तो किस कार्रवाई को सही माना जाए, ईडी की कार्रवाई को सही माना जाए या आपकी सरकार द्वारा दी गई क्लीन चिट की कार्रवाई को सही माना जाए? आप पहले ये स्पष्ट कर दें। और हम ये स्पष्ट कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे हेमंत सोरेन या पूरी पार्टी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के किसी भी तरह के सोच में नहीं है। हम यह मानते हैं कि यदि पदाधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम इस बात का भी घोर विरोध करते हैं कि इस विधि सम्मत कार्रवाई के नाम पर यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, अपने राजनीतिक एजेंडे को पुट करने की कोशिश की जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगा और जनता के सामने सच लाएगा और सच बताएगा। और मैं फिर आपसे यह गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के अलग अलग कोनों से बयान देते हैं और वो बयान अलग अलग एंगल से छपते हैं और ये बयान कहीं ना कहीं जनता में भ्रम की स्थिति बनाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम और हमारे सुप्रियो दाने बैठकर पार्टी के ऑफिस से यह बयान आपको दिया है, इस बयान को भी जनता के समक्ष उसी बेबाकी और उसी स्पष्ट रूप में जाना चाहिए, ये बातें एस्टेब्लिश हो कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेता भ्रमित हैं। एक तरफ वो रघुवर दास की कार्रवाई को जायज ठहराते हैं, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराते हैं। अरे ये तो बता दीजिए कि सही कौन था, रघुवर दास सही थे, राजबाला वर्मा सही थी या ईडी की यह कार्रवाई सही थी? मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि सच्चाई को जनता को जानना चाहिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई भ्रष्ट पदाधिकारियों के संरक्षण में भरोसा नहीं करता है। कानून अपना काम करे, हम इसके सहमत हैं, लेकिन कानून के काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश की हम घोर निंदा करते हैं, इसका पर्दाफाश करना चाहिए। एक डिमांड हम लोगों का और, क्योंकि इस मामले को इस प्रकार से जोड़ा गया इसलिए अब सीबीआई को और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इसमें राजबाला वर्मा जी और रघुवर दास जी उनको भी अभियुक्त बनाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा सीबीआई जांच जब मुंडा जी की सरकार थी उस वक्त सीबीआई की जांच दी गई थी, उस वक्त विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी और उसको पलटने का काम रघुवर दास जी ने किया, तो रघुवर दास जी भी इसमें सह अभियुक्त है मनरेगा के लूट में। और हमको लगता है कि अब बाबूलाल जी भी उसमें से हिस्सा पा चुके हैं, क्योंकि बाबूलाल जी पहले विधायक बेचते थे, फिर खुद को बेचे, अब जांच भी बेच रहे हैं। अब बाबूलाल जी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहे, अब वो ट्रू सेंस में पॉलिटिकल ट्रेडर बन चुके, ट्रेडर व्यवसाय करने लग गए। इसलिए इस जांच के दायरे में एक त्रिमूर्ति भी आनी चाहिए और इस पे दीपक प्रकाश जी का वक्तव्य पार्टी सार्वजनिक तौर पे डिमांड करती है। इतना ही आप लोगों का कहना था, कोई यदि प्रश्न है तो वो अपेक्षित। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।